हाँ जी दोस्तों, तो बहुत ही पेशेंस के साथ हमने अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को खत्म किया और फाइनली आपने साथ के साथ उसको कंटिन्यूअसली पढ़ते पढ़ते यहां तक आप पहुंच गए हो। अब जब हमारा एक्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न रह जाता है वो रह जाता है उसकी प्रैक्टिस का। हमें ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से हमें उसे रिलेट करना होता है हमारे आंसर से, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना होता है। इस टाइप से जितनी बातें हैं वो सारी तभी क्लियर हो पाएंगी जब जाके आप उसकी प्रैक्टिस करते हो कि हाँ ये क्वेश्चन है और इसको इस तरीके से आंसर करना है और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, बट थोड़े बहुत क्वेश्चन आपका मॉड्यूल आपको खुद ही प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर कुछ आपको एमसीक्यू दे रखे हैं, होपफुली 8 MCQ है इसके अंदर। और उसके बाद अगर मैं केस स्टडी की बात करूं तो वो इसके अंदर कुछ 14 केस स्टडी दे रखा है जितना हमें प्रैक्टिस करना है, मतलब इतनी तो हम एटलीस्ट करेंगे करेंगे। इसके अलावा भी मैं आपसे ये कहा करता हूं हमेशा कि आप एक्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और रिवाइज करते करते जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले, चाहे वो पुराने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हो या जैसे कि अगर सीए के स्टूडेंट है तो वो सीएमए के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, सीएमए के स्टूडेंट है तो वो सीए के ट्राई कर सकते हैं, सीएस के ट्राई कर सकते हैं। द थिंग इज कि आप अपने रेलेवेंट इस एक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर कहीं से भी उठा सकते हो और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको आपका एक्ट क्लियर है कि नहीं। मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमें एक्ट की पूरी थ्योरी पता है, पूरी कहानी पता है, अब हमें उस कहानी को अप्लाई करना है डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडी के साथ और एट दी एंड आपका रिजल्ट जो निकल के आना चाहिए वो सही निकल के आना चाहिए। तो उसके लिए आप कहीं के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक्ट पढ़ा है, ऐसा नहीं कि कोई लिमिटेड कोई 2-4 पैराग्राफ पढ़े हुए या 2-4 सेक्शंस पढ़े हैं, नहीं, आपने पूरा एक तरीके से एक्ट पढ़ लिया। तो इसका मतलब यह है कि आप इस एक्ट के जितने भी सवाल हैं उसको आप देखते ही इंटरप्रेट कर पाओगे और उसमें क्या उसका एक सही आंसर निकलना चाहिए वो उसकी जजमेंट आप देने के लिए काबिल हो जाते हो इसको पढ़ने के बाद। तो फॉर मॉड्यूल पर्पस हम इतने क्वेश्चंस को यहाँ फिलहाल कवर करेंगे, आपको साथ के साथ करवाएंगे और इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करनी है। बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीपल टाइम आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, सेक्शंस को बिल्डअप करो एंड देन कहीं के भी क्वेश्चंस पे आप रिवीजन अपना परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, तो लेट नहीं करते, फटाफट से इसको शुरू करते हैं। दो पार्ट में इसको बेसिकली कवर करेंगे, इस वाले में हम एमसीक्यू सारे कवर करेंगे और उसके बाद स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस मतलब अप टू क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा केस स्टडी का उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाएंगे हमारे पास 8 केस स्टडीज उसको लेके चलेंगे हम सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है, चलिए जी, तो सबसे पहले इसके अंदर सवाल आता है एमसीक्यू का। पहले आपको ट्राई करना है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ऑप्शन पढ़ने के बाद, मेरे बोलने से पहले मतलब मेरे आंसर बताने से पहले आप एक बार आंसर अपने हिसाब से बताने की कोशिश करो और अगर उसके बाद जो मैंने आंसर बताया अगर वो बिल्कुल सही मैच करता है तो ऑब्वियस ही बात है ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसको रिलेट कर पा रहे हो, आप उसकी परफॉर्मेंस को एक तरीके से निभा पा रहे हो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर पहला आता है पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसका नाम, जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जिसको कि पेमेंट होनी है, मतलब जिसकी डायरेक्शन है कि उसको पैसे मिलेंगे, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो मुद्दा मुद्दा ये हो गया कि जिसको पैसे मिलते हैं उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो क्या उसको ड्रॉअर कहा जाता है, एक्सेप्टर कहा जाता है, मेकर कहा जाता है या फिर पेई कहा जाता है। तो आपको ध्यान होगा कि ऐसे व्यक्ति को, हम पार्टीज की अगर बात करें तो उन पार्टीज के अंदर ऐसे व्यक्ति को पेई कहा जाता था जिसको कि पैसे मिलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है उसको क्या कहते हैं। तो आपने देखा था ड्रॉई ड्रॉर इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट होते थे इसके अंदर, तो ड्रॉर ही वो होता है, एक तरीके से नाम से भी पता लगता है, द पर्सन हु ड्रॉ, तो ऑब्वियसली बात है जो ड्रॉ करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा ड्रॉर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को जो बनाता है, जो उसका मेकर होता है, वो हमारा ड्रॉर कहलाता है। ये भी आपका पार्टीज से रिलेटेड है, जहां आपने स्टार्टिंग में पार्टीज पढ़े थे कि इन इंस्ट्रूमेंट की पार्टीज कौन कौन सी होती है। अगला सवाल आता है कि डेज ऑफ ग्रेस प्रोवाइडेड टू द इंस्ट्रूमेंट एट मेच्योरिटी इज, कितने दिन का ग्रेस पीरियड जो है, ग्रेस डेज जो है वो हम जोड़ते हैं जब भी हम मेच्योरिटी वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, आपको स्टार्टिंग से पता है 1, 2, 3 या 5, तो आप देखते हुए आए हो कि हमेशा 3 दिन का ग्रेस डेज जो है वो प्रोवाइड करता है हमारा एक्ट। अगला सवाल आता है पार्टीज टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी बाय, अब हम अगर बात करें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो लाइबिलिटी है उससे डिस्चार्ज होने के लिए पार्टी को क्या क्या करना होता है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें थी। आपको याद होगा 3 टाइप की टर्मोलॉजी हुआ करती थी, कैंसिलेशन एक टर्म थी, पेमेंट एक टर्म थी और एक रिलीज था जिसमें हम कहते थे कि कैंसिलेशन और रिलीज जो एक प्रकार का सिनोनिम है जिसको हम एक तरीके से सिमिलर ही ट्रीट किया करते थे, लेकिन रिलीज में कहा जाता था कि वो सारे तरीके अदर देन कैंसिलेशन अगर डिस्चार्ज के होंगे तो वो रिलीज कवर होगा और कैंसिलेशन हो गया तो वो तो फिर कैंसिलेशन में कवर हो ही जाएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि डिस्चार्ज करने के लिए यही 3 मोड हुआ करते थे, तो हम तीनों पे टिक मार तो पाएंगे नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे डी ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो कि कहेगा हमें ऑल ऑफ द अबव। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वैलिडिटी पीरियड
फॉर द प्रेजेंटमेंट ऑफ अ चेक इन बैंक इज, तो बताओ जी एक चेक को कितने दिनों के अंदर बैंक में प्रेजेंट करना होता है। तो इसके ऊपर भी आपने कई सारे टॉपिक और कई सारे सवाल देखे थे जिसमें आपने देखा था कि कितना टाइम मिलता है एक चेक को प्रेजेंट करने के लिए, कितने दिन तक वो चेक वैलिड रहता है, तो क्या 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर 2 साल। तो आपको याद होना चाहिए द आंसर इज 3 मंथ्स। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है हमारे पास, ऑफेंसेस कमिटेड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कैन बी, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो भी हमारे ऑफेंसेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, क्या वो कंपाउंडेबल होते हैं, क्या वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, क्या वो नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन बेलेबल होते हैं, और क्या वो बेलेबल होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए एक छोटा सा सेक्शन हमने बिल्कुल लास्ट में पढ़ा था जिसका नाम था सेक्शन नंबर 147, जो इतनी सी बात बताता था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो ऑफेंसेज होते हैं दे आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेज, मतलब इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट टाइप का प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज सेक्शन नंबर 147 जो कि आपको बताता था कि जो ऑफेंसेज इसके अंदर होते हैं इस एक्ट के अंदर, ऑल दोज ऑफेंसेज आर कंपाउंडेबल ऑफेंसेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज पेबल टू ऑर्डर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय, अगर पेबल टू ऑर्डर है तो उसको कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए ट्रांसफर हमेशा दो ही तरीके से होता है, नंबर वन इज सिंपली डिलीवरी और नंबर टू इज इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, और पेमेंट टू ऑर्डर होगा तो ऑब्वियस ही बात है उस केस में आपको इंडोर्समेंट करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिंपल डिलीवरी चलेगा, इंडोर्समेंट या डिलीवरी चलेगा, इंडोर्समेंट चलेगा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट चलेगा। तो द आंसर इज इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दोनों चीजें होनी चाहिए तभी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि पेबल टू ऑर्डर होगा वो ट्रांसफर्ड माना जाता है। नाउ लास्ट एमसीक्यू आपके पास आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन फेवर ऑफ अ माइनर इज, अगर माइनर के फेवर में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो वो कैसा होगा, वॉइड होगा, वॉइड बट इन्फोर्सिबल होगा, वैलिड होगा या नन ऑफ दी अबव। तो ऑब्वियस ही बात है कि माइनर के फेवर में भी अगर आप कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो वो भी हमेशा वैलिड ही रहता है, उसके अंदर वॉइड वगैरह का कोई दिक्कत नहीं आती है। बस हमने ओवरऑल ये देखा था कि वो इंस्ट्रूमेंट जो बनाया जाएगा वो किसी भी तरीके से माइनर के अगेंस्ट नहीं होगा, माइनर को फेवर देने के लिए या माइनर के भले के लिए अगर वो इंस्ट्रूमेंट बन रहा है जिसके अंदर से माइनर को कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से हम माइनर के ऊपर कोई लाइबिलिटी इंपोज नहीं कर सकते, पर माइनर के अलावा जितनी भी पार्टीज होंगी वो सारी की सारी लाइबल होंगी हमारे एक्ट के जो भी टर्म्स होंगे उसके अंडर, ठीक है ना। इसके ऊपर एक स्टडी भी हमें आगे देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि माइनर के साथ हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं और वो बिल्कुल वैलिड होता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज को वन बाय वन शॉर्ट और सिंपल तरीके से देखेंगे। सबसे पहला सवाल आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया कि बताओ जी होल्डर क्या होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। बहुत अच्छी तरीके से आपको इन दोनों चीजों को अपने माइंड में सेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये इस पूरे एक्ट की। आगे बढ़ते हैं, द ड्रॉअर डी इज इंड्यूस्ड बाय ए फेवर अ चेक इन फेवर ऑफ पी हु इज एन एग्जिस्टिंग पर्सन, ए इंस्टेड ऑफ सेंडिंग चेक टू पी फॉरजेस हिज नेम एंड पेज द चेक इन टू हिज ओन बैंक। अच्छा जी, वेयर डी कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ चेक फ्रॉम एज बैंकर डिसाइड। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो ड्रॉअर था डी, उसको ए ने इंड्यूस किया, उसको कहा कि एक चेक बनाओ किसके फेवर में, पी के फेवर में बनाओ, और ए ने क्या किया उस चेक को अपने अकाउंट में डाल लिया, पी को दिया ही नहीं, उसके अंदर फर्जरी करके अपना नाम उसके अंदर मेंशन किया, उसको अपने अकाउंट में डाल लिया। तो क्या जो डी है वो ए के बैंकर से अपना जो अमाउंट है चेक का वो क्या रिकवर कर सकता है, आपको कह रहा है डिसाइड करके बताओ। तो इसके अंदर दो सवाल आ गए, पहला होल्डर और होल्डर ड्यू केस बताना है और दूसरा बताना है कि इस टाइप की कोई फ्रॉड वाली एक्टिविटी हुई है तो उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं होल्डर एंड ड्यू कोर्स की। आपको इसके अंदर बेसिक मीनिंग क्या समझना है, होल्डर वो होता है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है नंबर वन, और दूसरा कि वो इंटाइटल्ड होता है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट अमाउंट को रिकवर कर सकता है। सिंपली होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होते हैं जिनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है बाय वे ऑफ कंसिडरेशन या फिर वैल्यू, मतलब कि अगर किसी को गिफ्ट के तौर पे एक चेक मिला तो वो होल्डर कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर किसी ने किसी को कोई माल बेचा था और उसके बदले में उसको चेक मिला है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा, एज अ सिंपल एज दैट। मतलब कि मेरे को किसी कंसिडरेशन के बदले में कोई इंस्ट्रूमेंट मिला है, मैंने किसी को सामान दिया, मैंने किसी को कोई सर्विसेज दी है और उसके बदले उसने मेरे को चेक दिया है, तो उस चेक के लिए मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स बनूंगा, होल्डर नहीं बनूंगा। होल्डर कौन बनता है, जिसके पास वो है तो वो इंस्ट्रूमेंट तो है और वो एंटाइटल्ड भी है कि उसके अगेंस्ट वो रिकवरी कर सकता है, लेकिन वहां पे कोई कंसिडरेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर कंसिडरेशन एग्जिस्ट करेगी तो वो होल्डर नहीं कहलाएगा, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है जो आपको लेवन लैंग्वेज में समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए जी,
तो यहाँ पे तो आपको जो आंसर पे लिखना है ऑब्वियसली वो लॉ की लैंग्वेज लिखनी होती है, मैंने आपको सिंपली समझा दिया, आपको उस चीज को भी आप एक्सप्लेन करके लिख दोगे तो वो आपके लिए एक तरीके से सफिशियंट है। कह रहा है होल्डर, होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एज रिगार्ड ऑल पार्टीज प्रायर टू हिमसेल्फ अ होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर विच द वैल्यू हैज एट एनी टाइम बीन गिवन। होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करें तो उसमें उसने तीन टाइप के पॉइंट आपको बता दिए। कह रहा है इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकम इट्स पोजिशनर, कंसिडरेशन के बदले वो उसका पोजिशनर बना है, बिकम द अमाउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट पेबल। दूसरा इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर होगा तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन हु बिकम द पे और इंडोर्सी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द अमाउंट मेंशन्ड इन इट बिकम पेबल, और ही हैड बिकम टू पोजेस द इंस्ट्रूमेंट विदाउट हैविंग सफिशियंट कॉजेस टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी डिफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इसके बारे में कोई भी सूचना उस व्यक्ति के पास नहीं है जो भी उसका होल्डर इन ड्यू कोर्स है, इन द टाइटल ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम होम ही हैज ही डिलीवर्ड हिज टाइटल। तो इस टाइप से कुछ होल्डर इन ड्यू कोर्स में आपने एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखी थी अपने लॉ के अंदर, मोटा मोटा आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। इसके अंदर से दो पॉइंट मैं कहूंगा जो रेलेवेंट है, एक ही कंसिडरेशन का आपको रेफरेंस देना जरूरी है और दूसरा ये डिफेक्ट के ऊपर बात को आपको लेके आना जरूरी है अपने आंसर के अंदर, तो आपका मोटा मोटा आंसर यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि हमने देखा था कि जब कोई एक फिक्टिशियस नेम वाली कुछ कहानी इसके अंदर आई थी वो यहां इस सवाल में नहीं है। मतलब कि कह रहा है द प्रॉब्लम इज बेस्ड अपॉन द प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, सेक्शन 42 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 स्टेट दैट एन एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम एंड पेबल टू अ ड्रॉअर्स ऑर्डर इज नॉट बाय रीजन दैट सच नेम इज फिक्टिशियस रिलीव फ्रॉम द लायबिलिटी टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स क्लेमिंग अंडर एंडोर्समेंट बाय द सेम हैंड एज द ड्रॉअर सिग्नेचर एंड परपोर्टिंग टू बी मेड बाय द ड्रॉअर। अब ध्यान दो इस चीज को, ये आपको एक स्टेटमेंट है जो कि आपने पीछे पढ़ी थी कि जहां पे फिक्टिशियस नेम के अंदर अगर बनाया गया होता है तो उसके अंदर हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी उसका पेबल है, जो बंदे को पे करना है, वो अपने आप को रिलीव नहीं कर सकता ये बोलते हुए कि भैया ये जो फिक्टिशियस नेम के ऊपर ड्रॉ हो रखा है, ऐसा बोल के वो अपने आप को रिलीव नहीं कर सकता, अपने आप को छुटकारा नहीं पा सकता, उसको पेमेंट वहां पे करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहां पे फिक्टिशियस पे का कोई सवाल ही नहीं है। यहां पे क्या सवाल है कि यहां पे तो फर्जरी हो गई है, यहां पे फिक्टिशियस पर्सन का तो एग्जिस्टेंस था ही नहीं। मतलब कि जिसको पेमेंट करनी थी, जिसको पेमेंट करनी थी, मतलब यहाँ पे पेमेंट किसको करनी थी, डी को जो ड्रॉअर है, तो सिंपली हम कहते थे कि अगर फिक्टिशियस पर्सन वाला खेल होता, मतलब ये वाली अगर कहानी होती तो हम कहते कि भाई साहब डी तुम्हें तो पेमेंट करनी पड़ेगी, अब चाहे फिक्टिशियस नेम पे था चाहे तुमने दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि ड्रॉ किया गया था फिक्टिशियस नेम पे, लेकिन इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग बेशक तुम्हें पे करना पड़ गया ए को तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन इस सवाल में क्या हुआ है, इस सवाल में ए को पेमेंट हो गई है और फिक्टिशियस वाली कहानी ये है ही नहीं, तो फिक्टिशियस वाली अगर कहानी नहीं है तो उस केस में तो ये पेमेंट जो की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसको की जाएगी, पी को की जाएगी, और ए ने उसमें फॉर्जरी करके अपने अकाउंट में उस चेक को क्लियर करवा लिया है, तो उस केस में यहां पे डी के ऊपर ये फिक्टिशियस वाला जो प्रोविजन था ये अप्लाई नहीं होता और यहां पे इजिली तरीके से डी जो है वो ए के बैंकर से अपने अमाउंट को है रिकवर आराम से करवा सकता है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। तो आपको ये समझना है कि एक फिक्टिशियस वाला जो कॉन्सेप्ट था इसके अंदर जो कि आपको सेक्शन नंबर 42 बताता था उसको यहां पे रिलेट नहीं हो रहा, उसकी एप्लीकेबिलिटी यहां पे नहीं हो पा रही है, रीजन बीइंग क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्टिशियस पे का कोई कहानी ही इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अदर देन फिक्टिशियस के अंदर तो ऑब्वियसली बात है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट वो पेबल होना है वही उसको रिकवर कर सकता है, और अगर किसी बीच ने, मतलब बीच में किसी और ने अपने आप को इन्वॉल्व करके वो अमाउंट अपने पास क्लियर करवा लिया किसी भी फ्रॉड या किसी भी फर्जरी के तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है कि उससे ड्रॉअर जो है हमारा वो आराम से रिकवर कर सकता है अपने अमाउंट को। चलिए जी, ये कुछ था एक केस स्टडी, आगे बढ़ते हैं अगले केस स्टडी की ओर। इसके अंदर आपको ये बताना है, कुछ पांच बातें दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि होल्डर है या नहीं, मतलब कि डिस्कस विद रीजन वेदर द फॉलोइंग पर्सन कैन बी कॉल्ड एज होल्डर, ये जो व्यक्ति की यहाँ पे बातें की जाएंगी क्या ये लोग जो है वो होल्डर है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 या फिर नहीं। तो आपको होल्डर है कि नहीं ये कैसे पता लगाओगे, तो इसको पता लगाने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। नंबर वन कि होल्डर वो है जिसके पास की वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, नंबर वन मतलब पोजीशन होनी चाहिए, और नंबर टू कि वो एंटाइटल टू रिकवर होना चाहिए, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट वो रिकवरी कर सकता है, अमाउंट को कलेक्ट कर सकता है। अगर ये दोनों चीजें होती हैं तभी होल्डर कहलाता है, अदरवाइज होल्डर नहीं कहलाता। सबसे पहला पॉइंट आता है एक्स जिसके पास एक चेक है जो कि उसको वाई से मिला है एज अ गिफ्ट, तो ऑब्वियस बात है एक्स को चेक मिला उसके पास पोजीशन है, पहली बात। दूसरी बात कि उस चेक के अगेंस्ट वो आराम से पैसे को रिकवर कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, तो ये जो व्यक्ति है ये हमारा होल्डर हो जाएगा। तो आंसर इज यस।
आगे ए एक पेई है चेक का जिसको कि प्रोहिबिटेड बाय कोर्ट ऑर्डरिंग फ्रॉम रिसीविंग द अमाउंट ऑफ द चेक, मतलब ए जो है वो पेई है चेक का, उसके पास चेक तो है लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है कि उसको पैसे नहीं मिल सकते हैं, तो पोजीशन तो है लेकिन वो अमाउंट रिकवर करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, तो ये यहाँ पे होल्डर जो है हमारा वो नहीं कहलाएगा, दोनों पॉइंट यहाँ पे फुलफिल नहीं होते हैं। एम हु फाइंड द चेक पेबल टू बियरर ऑन अ रोड एंड रिटेन्स, एक बंदे को रोड पे एक चेक मिला जो कि पेबल टू बियरर है, तो उस केस में भी जो उसके पास पोजीशन है क्या वो इंटाइटल्ड पोजीशन है या फिर वो रॉन्गफुल पोजीशन है, तो ऑब्वियसली बात है वो रॉन्गफुल पोजीशन है, तो अगेन पोजीशन तो है लेकिन वो रॉन्गफुल पोजीशन है तो वो पोजीशन नहीं मानी जाती, अगेन यहाँ पे इंटाइटल्ड टू रिकवरी वाली पॉइंट यहाँ पे अराइज नहीं होगी, तो ये भी हमारा होल्डर नहीं कहलाएगा। बी एक एजेंट है सीकर जिसको कि कहा गया कि भैया बिना इंडोर्समेंट के जरिए तुम्हें पे ही बनाया जाता है, मतलब तुम अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पे, लेकिन इंडोर्समेंट नहीं की गई, एज अ एजेंट वो अमाउंट को कलेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एज अ एजेंट कलेक्ट कर रहा है तो वो होल्डर तो बन गया, लेकिन क्या इंटाइटल टू रिकवर है, नहीं, इंटाइटल कौन होगा, इंटाइटल होगा उसका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इंटाइटल टू रिकवर है, एजेंट को बस रिकवरी करने के लिए भेजा गया है, दैट इज दैट पर्सन इज नॉट इंटाइटल टू रिकवर अगेंस्ट दैट इंस्ट्रूमेंट, तो इसलिए ये व्यक्ति जो है ये हमारा होल्डर नहीं कहलाएगा क्योंकि ये एजेंट है, अगर एंडोर्समेंट के साथ इसको इंस्ट्रूमेंट दिया होता तो उस केस में ये फिर हमारा होल्डर कहला जाता। आगे बी हु स्टील अ ब्लैंक चेक ऑफ ए एंड फॉर्जेस ए सिग्नेचर, एक ब्लैंक चेक मिला उसको ए का, बी ने उसको चुराया और उसमें फर्जी उसके सिग्नेचर मार लिए, तो ऑब्वियसली बात है इसके पास पोजीशन तो है लेकिन ये रॉन्गफुल पोजीशन है, ये इंटाइटल टू रिकवरी नहीं है, तो ये व्यक्ति भी हमारा जो है होल्डर नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना होता है, फर्स्ट आपका होल्डर है, रिमेनिंग ऑल आर नॉट होल्डर, ठीक है। तो सेक्शन 8 के अंदर आप होल्डर की बात को बताओगे, होल्डर की बात को आपने क्या देखना है कि इंस्ट्रूमेंट मींस एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन ओन नेम टू द पोजीशन, पहली चीज ऑफ इट, एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू, ठीक है ना, ये दोनों चीजें अगर होंगी तो ही आप इसको होल्डर कह पाओगे, अदरवाइज नहीं कह पाओगे। तो आप इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप आराम से पढ़ लेना, एज सच कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, एम ड्रू अ चेक अमाउंटिंग टू 2 लाख पेबल टू एन एंड सब्सिक्वेंटली डिलीवर्ड टू हिम आफ्टर रिसीप्ट ऑफ चेक एंड एंडोर्स द सेम टू सी बट कीप इट इन अ सेफ लॉकर आफ्टर सम टाइम एन की होगी डेथ एंड पी फाउंड द चेक इन एन सेफ लॉकर, ठीक है जी। डज द अमाउंट ऑफ एंडोर्समेंट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, तो क्या ये एंडोर्समेंट होगा, तो ऑब्वियसली बात है नहीं होगा, जब आप किसी को एंडोर्स करते हो तो उसके अंदर सिर्फ एंडोर्समेंट जरूर नहीं होता, एंडोर्समेंट प्लस क्या होनी चाहिए याद करो, प्लस होनी चाहिए डिलीवरी, तो डिलीवरी अगर हुई नहीं है तो आपका वो एंडोर्समेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तो जो पी है वो हमारा यहाँ पे होल्डर नहीं बन सकता, पी जो है वो हमारा यहाँ पे होल्डर नहीं बन सकता जिसको कि वो चेक मिला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी मिसिंग है, तो सेक्शन 48 के रेफरेंस से आपको आंसर ये लिखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एम ओज मनी टू एन देयर फोर ही मेक्स अ प्रोमिसरी नोट फॉर द अमाउंट इन फेवर ऑफ एन फॉर सेफ्टी ऑफ ट्रांसमिशन, उसने कट कर दिया नोट को इन हाफ एंड पोस्ट वन हाफ टू एन, आधा कट करके, जैसे आपने देखा होगा कि ब्लैक मनी के टाइप में इस टाइप की चीजें होती है या फिर कोई और अगर इलीगल एक्टिविटी हो रही होती तो वहां पर ऐसा किया जाता है कि आधा आधे को कट कर दिया जाता है, आधा भेज दिया जाता है, आधा अपने पास रखा जाता है वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजें उसने कुछ यहाँ पर परफॉर्म करी है। ही देन चेंजेस हिज माइंड एंड कॉल अपॉन एंड टू रिटर्न द हाफ ऑफ द चेक, उसके बाद उसका मन बदला, उसने कहा भैया आधा जो हमने आपको भेजा था नोट उसको वापस कर दो, विच ही हैड सेंट एंड रिक्वायर एम टू सेंड द अदर हाफ ऑफ द प्रोमिसरी नोट, डिसाइड हाउ राइट्स ऑफ द पार्टीज आर टू बी एडजस्टेड, यहाँ पे राइट्स ऑफ द पार्टी कैसे एडजस्ट की जाएगी, तो पहली बात तो ये बताओ क्या ये प्रोमिसरी नोट ही बना है यहाँ पे, क्या यहाँ पे प्रोमिसरी नोट तमीज से बन पाया, जो प्रोमिसरी नोट का आपका सेक्शन कहता है उस तरीके से क्या प्रोमिसरी नोट ड्राफ्ट हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, यहाँ पे प्रोमिसरी नोट कोई ड्राफ्ट नहीं हुआ है, आपने एक नोट बनाया उसका आधा चिट्ठा उसके बाद भेजा है, तो वो अपने आप ही कंप्लीट नहीं है, आपका कंप्लीट होना जरूरी था तो कंप्लीट वो हुआ ही नहीं, मतलब एक कंप्लीट नोट जो डिलीवरी होनी चाहिए थी वो डिलीवरी हुई ही नहीं है, आधी डिलीवरी हुई है, तो प्रोमिसरी नोट हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, एन कहता है जी वापस कर दो, तो बिल्कुल कर दो, एन कहता है कि मैं सोचूंगा उसके बाद दोबारा से डिसाइड करूंगा कि क्या करना है, नोट बनाना है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना है, पेमेंट करनी है, कैसे करनी, नहीं करनी वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें की जा सकती है, तो यहाँ पे सिंपली ये है कि जो प्रोमिसरी नोट जो भेजा गया वो एक तरीके से प्रोमिसरी नोट यहाँ पे है ही नहीं और उसकी कोई एग्जिस्टेंस में कोई भी राइट्स वगैरह की कोई बात यहाँ पे आती ही नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं इसके आंसर को, थोड़ा सा टिपिकल सा है, द क्वेश्चन अराइजिंग इन दिस प्रॉब्लम इज वेदर द मेकिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट इज कंप्लीट व्हेन वन हाफ ऑफ द नोट वाज डिलीवर्ड टू एन, कहा जा रहा है कि प्रोमिसरी नोट के अंदर यहाँ पे सवाल यही है कि क्या ये कंप्लीट हुआ, क्या ये अगर आधा भेजा जाएगा तो क्या वो कंप्लीट माना जाता है नहीं माना जाता, तो अंडर सेक्शन 46 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 द मेकिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट इज कंप्लीट बाय डिलीवरी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, डिलीवरी रेफर्स टू द होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पूरा इंस्ट्रूमेंट डिलीवर होना चाहिए, नॉट मेरली अ पार्ट ऑफ इट, डिलीवरी ऑफ हाफ इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ द होल, सो क्लेम ऑफ एंड टू हैव द अदर हाफ ऑफ प्रोमिसरी नोट सेंड टू हिम इज नॉट maintainable, M is justified in demanding the return of the
फर्स्ट हाफ सेंड बाय हिम, एम जो है जो फर्स्ट हाफ वहां पे मांग रहा है वो बिल्कुल मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हुआ था। ही कैन चेंजेज हिज माइंड, अपने माइंड को बदल सकता है एंड रिफ्यूजेस टू सेंड द अदर हाफ ऑफ द प्रोमिसरी नोट। मतलब कि एक हाफ एक बंदे ने भेज दिया, एम ने एन को आधा भेज दिया, ठीक है जी, आधा इसके पास है आधा प्रोमिसरी नोट इसके पास है। एन कह रहा है जी तुम मुझे आधा दे दो मेरे पास पूरा हो जाएगा, ये कह रहा नहीं जी मेरे को जो मैंने आपको आधा दिया है वो मेरे को वापस करो, मुझे नहीं देना आपको। तो क्या एन जीतेगा? एम जीतेगा, तो ऑब्वियस ही बात है एम जीतेगा। क्यों? क्योंकि ये इस आधे को नहीं मांग सकता क्योंकि ये प्रोविजन नोट कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो इसके पास कोई राइट नहीं है। एम ने इसको भेजा हुआ है, वो रिटर्न कर देगा बहुत अच्छी बात है, नहीं रिटर्न करेगा तो एम का वो वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि प्रोविजन नोट यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी प्रॉपर जो होल डिलीवरी होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं है। तो एम आराम से अपने आधे को वापस मांगने के लिए सही है, मांग सकता है, अपने माइंड को चेंज करते हुए वो दोबारा से किस तरीके से पेमेंट करना है उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है पी ने ड्रॉ किया एक बिल ऑन क्यू फॉर 10,000, क्यू ने एक्सेप्ट किया बिल, ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट, पी ने फाइल किया सूट क्यू के अगेंस्ट फॉर द पेमेंट ऑफ 10,000, क्यू ने प्रूव कर दिया ध्यान देना प्रूव कर दिया दैट द बिल वाज एक्सेप्टेड फॉर वैल्यू ऑफ 7,000, उसने प्रूव कर दिया कि उसने बिल जो है वो 7,000 का ही एक्सेप्ट किया था एज एन एकोमोडेशन टू द प्लेंटिफ फॉर द बैलेंस अमाउंट दैट इज 3,000, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, डिसाइड वेदर पी वुड सक्सीड इन रिकवरिंग द होल अमाउंट इन द बिल, क्या पी पूरा अमाउंट यहां पर रिकवर कर पाएगा। तो आपको याद करना है कि जहां पे अपने देखते थे कि आपका जो बिल है वो बना है उसके अंदर अब्सेंट है इन पार्ट, और बिल का जो कंसिडरेशन है बिल के अंदर जो कंसिस्ट करता है वो आपका कंसिस्ट करता है मनी, इस टाइप का आपने एक सेक्शन देखा था विच इज सेक्शन नंबर 44। तो उसके अंदर आपने देखा था कि अगर कोई ऐसी घटना घटती जो यहाँ पे केस स्टडी बताई गई है, तो उस केस में जो भी वहां पे आपका इमीडिएट रिलेशन में होता था, जिस पर्सन से रिकवर करना है उसके इमीडिएट रिलेशन में जो भी पर्सन होता था उसको जो रिड्यूस्ड अमाउंट है वही रिकवर वो कर पाता था, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपका एक तरीके से नुकसान में चला जाता है, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। इस टाइप का आपने पढ़ा था सेक्शन नंबर 44 जो कि एज इट इज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कहा गया कि क्या एम जो है वो पूरे अमाउंट को कलेक्ट कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, रीजन बींग क्योंकि क्यू ने प्रूव कर दिया है कि उसने जो एक्सेप्ट किया था वो 7,000 का ही एक्सेप्ट किया गया था। तो अब्सेंट इन पार्ट वाला सिनेरियो है, आप कह रहे हो 10,000 लेकिन वो प्रूव कर रहा है 7,000, तो ऑब्वियस ही बात है वो 7,000 ही पे करेगा और आप 7,000 से ज्यादा रिकवर उससे नहीं कर पाओगे, सेक्शन नंबर 44। चलिए तो इस चीज को आपको यहां पर रिलेट करना है, एक बार रीड कर लेते हैं। एज पर सेक्शन नंबर 44 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, व्हेन द कंसीडरेशन फॉर अ पर्सन साइंड अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक कंसिस्टेड ऑफ मनी एंड वाज ओरिजिनली एब्सेंट इन पार्ट और has subsequently failed in part, the sum which is holding standing in immediate relation with such signer is entitled to receive from his proposed from him is proportionately reduced. तो obviously बात है जितना reduction है उतना reduce करके ही आपको payment मिलेगा, simply कह सकते हो कि जितने के लिए वो agree कर रहा है सामने वाली पार्टी उतनी ही पे करेगा और आप उतना ही उससे रिसीव कर पाओगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द ड्रॉअर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैंड इन इमीडिएट रिलेशन विद द एक्सेप्टर, ऑब्वियस बात है हमने देखा था कि ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज में बात करें तो ड्रॉअर के इमीडिएट रिलेशन में कौन होता है, एक्सेप्टर होता है, मेकर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक स्टैंड विद इमीडिएट रिलेशन विद द पेई, अगर मेकर की बात करें तो मेकर के इमीडिएट रिलेशन में कौन होता है, पेई होता है, एंड द इंडोर्सर विद द इंडोर्सी, इंडोर्सर केस में कौन होता है इमीडिएट रिलेशन में, इंडोर्सी मतलब जैसे उसका नेक्स्ट रिलेशन का पर्सन जो होगा वो इमीडिएट रिलेशन यहाँ पे कहलाता है। अदर साइनर में भी एग्रीमेंट स्टैंड इन इमीडिएट रिलेशन विद द होल्डर, अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रोविजन पी वुड सक्सीड टू रिकवर कितना, सिर्फ 7,000 फ्रॉम क्यू ऑन एंड नॉट द होल अमाउंट ऑफ द बिल बिकॉज इट वॉज एक्सेप्टेड फॉर वैल्यू एज ₹7,000 बट एन एकोमोडेशन टू पी फॉर ₹3,000, ठीक है ना, तो वैल्यू जो इसके लिए एक्सेप्ट किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ था हमारा 7,000 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पार्ट का, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कह रहा है स्टेट ब्रीफली द रूल्स लेड डाउन अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, असर्टेन करना है डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल पेबल 100 डेज आफ्टर साइट एंड विच इज प्रेजेंटेड फॉर साइट ऑन 4 मई 2018, 4 मई 2018 को अगर हुआ है तो उसको आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की मैच्योरिटी डेट भी निकाल के यहाँ पे बतानी है। तो पहले तो आपको रूल बताने हैं कि भैया मैच्योरिटी कैसे निकाली जाती है, डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल ऑफ एक्सचेंज की कैसे निकाली जाती है। तो आपने सिंपली क्या देखा हुआ है कि जब वो एक्सप्रेस टू बी पेबल हो जाएगा उसके बाद 3 दिन आप एडिशनल काउंट करते हो और कहते हो कि भैया मैच्योरिटी डेट आ गई। सिंपली ये होता है कि व्हेन अ इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल तो उसके बाद आप 3 दिन निकालते हो और 3 दिन के बाद का जो डे होता है उस दिन माना जाता है कि वो हमारा जो है मैच्योरिटी डेट उसकी आ गई है। सिंपली ये चीज थी। उसके बाद हमने देखा था कि भैया ग्रेस डेज जो है वो अलाउड नहीं करते, किस किस में अलाउड नहीं करते हैं, जहां पे आपका जो बिल पेबल होता है वो ऑन डिमांड होता है, एट साइट होता है या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट होता है, इस केस में आप अलाउड नहीं करते हो मैच्योरिटी सॉरी नंबर ऑफ डेज ऑफ ग्रेस जो होता है वो आप यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिनेरियो देखे थे हमने कि जब हमारा
मंथ के केस में होगा तो उस केस में क्या होगा? तो मंथ के केस में तीन सिनेरियो थे कि व्हेन बिल इज मेड पेबल एट स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ आफ्टर डेट, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हम देखते थे कि भैया जिस डेट पे हमारा वो पेबल हुआ उससे आपको वो मंथ काउंट करने हैं, करस्पॉन्डिंग डे निकाल लेना है। इसका सिंपली मतलब होता था जैसे कि अगर 10 मई है और दो महीने के लिए कहा गया तो आप सिंपली सिंपली उठा लोगे 10 जुलाई, ठीक है ना, मतलब करस्पॉन्डिंग डेट आपको उठा लेना है उस पर्टिकुलर मंथ का। फिर कहते हैं कि स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ आफ्टर साइट होगा, तो उस केस में आप आफ्टर साइट की डेट निकालोगे, लेट से वो आपका आता है 10/6 और उसमें अगर दो महीने हैं तो उस केस में आप उसको बना लोगे 10/8 अगर ये आफ्टर साइट की डेट है तो। और इसी में तीसरा पॉइंट आता था स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ आफ्टर सर्टेन इवेंट, तो उस केस में इवेंट की डेट आप उठाओगे, लेट से इवेंट की डेट है आपकी 15 जुलाई और उसके बाद आपको दो मंथ अगर ऐड करना है तो ये आपका आराम से हो जाएगा 15 सितंबर, ठीक है। इस टाइप की बात हमने देखी थी। उसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग डे ना हो तो उस केस में क्या करते थे। तो आपको याद होगा कि सपोज मैं कहता हूं कि 31 जनवरी है, ठीक है, और इसमें प्लस करना है आपको वन मंथ, तो उस केस में आप कॉरेस्पॉन्डिंग डे कैसे निकालोगे? 31 जनवरी के बाद 31 फरवरी जो होता है वो तो आता ही नहीं है, तो उस केस में हम लास्ट डे ऑफ फेब लेते थे विच इज 28 फेब। मतलब कि अगर वो नहीं होगा कॉरेस्पॉन्डिंग डे, अगर अगले मंथ में या जिस मंथ में भी वो फॉल कर रहा है हमारा, उस मंथ में अगर कॉरेस्पॉन्डिंग डे एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में हम उस मंथ का लास्ट डे ले लिया करते थे। इस टाइप की बात आपको ध्यान होगी। फिर इसके अंदर हमने देखा था क्या कि प्रेजेंटमेंट की जो डेट होती है या प्रोटेस्ट की जो डेट होती है या फिर जिस डेट पे वो इवेंट हुई है, अगर इवेंट की बात करें तो उन सभी दिनों को हम काउंट नहीं करते इसके अंदर, उनको काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद एक चीज हमने लास्ट देखी थी, अगर लास्ट डे ऑफ ग्रेस जो होगा अगर वो पब्लिक हॉलीडे होता है तो हमें उसका एक पिछला काउंट करना होता है। लेट सपोज कि जो हमारा डेज ऑफ ग्रेस है उसको कैलकुलेट करने के बाद अगर वो फॉल करता है 15 अगस्त वाले दिन, तो उसके इसमें हम 15 अगस्त नहीं मानते, मैच्योरिटी मान लेते हैं हम इसकी जगह पे 14 अगस्त। तो ये सारे प्रोविजंस थे जो आपको मैच्योरिटी के यहाँ पे कोट करने होंगे। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चन में आपको 4 मई 2018 की डेट दी गई है, 100 दिन काउंट करने हैं और उसके बाद आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो उसके इसमें आप करोगे क्या, इन केस द डे ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ साइट इज टू बी एक्सक्लूडेड, दैट इज 4 मई 2018 को आप एक्सक्लूड करोगे। पीरियड आपको कितने दिन है, 100 दिन गिनने हैं, तो 100 दिन आपका 12 अगस्त आएगा, कैसे आएगा वो देख लो। तो मई में आपके 27 दिन हो गए, आपने 4 को एक्सक्लूड कर दिया तो आपके 27 दिन मई में निकल के आएंगे। जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन और उसके बाद आपके 27, 30, 31 को अगर आप करोगे तो टोटल आपका 88 हो चुका, आपको 12 दिन और चाहिए 100 पूरे करने के लिए, तो इसलिए अगस्त के कितने दिन उठाओगे, 12 दिन उठाओगे। उसके बाद 3 दिन इसमें ग्रेस का ऐड करोगे जो कि आपका 15 अगस्त बन जाएगा। 15 अगस्त जो है वो अपने आप एक पब्लिक हॉलीडे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे जस्ट पिछला दिन लेना पड़ेगा विच इज 14 अगस्त 2018। तो जो आपका मैच्योरिटी डेट निकल के आया ये आपका आएगा 14 अगस्त 2018, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रिलेट करके अपने आंसर को प्रेजेंट करना होता है। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट इन टेस्टिंग योर नॉलेज। अब जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बच जाते हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 14 उसको और कवर अप करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, या कह सकते हैं कि इस टॉपिक के लास्ट पार्ट में।